परेशानी पूरी है, पानी भरा, बताओ क्या करूं, ऐसे जा रहे आ रहे। एक यहाँ पे ईटा लगाया गया है और एक यहाँ पे जो नाले का पट्टा है उसकी मदद से लोग इस सड़क से उस सड़क तक जा रहे हैं। परेशान है, परेशान नहीं थी इतना तक तो क्या हो रहा है, हाल क्या हाल है देखो। ऐसे ही भैया पानी में आते हैं, कोई आता है कोई नहीं भी आता है, 10-5 रुपए का बिक जाता है। दो तीन महीना हो गया हमको बाजारी बंद करे हुए, सावन जब से चढ़ा बारिश आई जब से यही हाल है। सड़क की वजह से सभी लोगों को किस तरीके से आना जाना पड़ता है, मैं खुद यहाँ खड़ा हूँ, ये सड़क है, उसके ठीक बगल में वहाँ नाले का शिवर का ढक्कन खुला हुआ है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मेरी मौजूदगी इस वक्त मुंडका के रेलवे कॉलोनी रोड पे बुद्ध बाजार पर है। बुद्ध बाजार का हाल मेरे जो कैमरे के पीछे रिकॉर्ड हो रहा है वो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ किस तरीके से छोटे बच्चे नाली का पानी क्रॉस कर जा रहे हैं, महिलाएं बहुत परेशान हैं, सभी लोग यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठे हैं किसी तरीके से इनकी सुनवाई हो, बातचीत हो। यहाँ के विधायक है धर्मपाल लाखड़ा जी, हमने आपको मुंडका की कई तस्वीरें ऐसी दिखाई है, यहाँ के हालात बहुत दयनीय है, महिलाएं इतना परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, पुरुष परेशान है, छोटे बच्चे का खेलना मुश्किल हो गया है ये हालात देखकर। आइए हम यहाँ के कुछ व्यापारियों से बात करते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, जुड़कर जानते हैं यहाँ के हालात इतनी बुरी है फिर वो लोग सर्वाइव कैसे करते हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? संतलाल प्रसाद। संतलाल जी, ये जो मेरे पीछे जो खूबसूरत नदी दिख रही है, हाँ जी, यहाँ कितने सालों से? ये इसी साल में है सर जी, इसी सीजन में बारिश का। जी, ये जो मार्केट यहाँ कब कब लगता है? मार्केट यहाँ सिर्फ बुधवार के हफ्ता ही रहती है सर। और जो ये ना पानी है, ये सब नाले का पानी दिखाई दे रहा है? नाले का ही है सर। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से, जो यहाँ के विधायक है धर्मपाल लाखड़ा, क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं सर कि सही हो ये, पानी निकले कम से कम यहाँ से। ये जो रोड है ये कौन सा रोड कहलाता है? ये मुंडका रोड है, पानी भरा, बताओ क्या करूँ। मुंडका कॉलोनी। तो आपको परेशानी नहीं हो रही है इस सड़क की वजह से? परेशानी पूरी है, पानी भरा, बताओ क्या करूं, ऐसे जा रहे आ रहे, और बताओ क्या करूं। क्या कहना चाहते हैं यहाँ के विधायक से, जो आप अपनी तरफ से जो संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं, यही कहना चाहता हूँ जो रोड है ये थोड़ा सही करवाओ। दर्शकों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मुंडका का हाल जो है ये आज से नहीं कई सालों से बेहद दुखी है। जरा मैं आपको दिखा देता हूं तस्वीरें, जो महिलाएं हैं वो किसी तरीके से गंदा पानी, नाली का पानी, शिवर का पानी को पार कर कर उस मार्केट से इस मार्केट आ रही है। आप देखिए ये छोटी सी जगह है जहां पर लोग किस तरीके से इलेक्शन जीतना इसलिए नालियां बनवा रहा है, इसलिए नालियां बनवा रहा है, उसके बाद नहीं बनेगी। इतने दुखी है कि लोग बात करने से भी परेशान है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये एक यहाँ पे ईटा लगाया गया है और एक यहाँ पे जो नाले का पट्टा है उस की मदद से लोग इस सड़क से उस सड़क तक जा रहे हैं। इसकी वजह से नमस्कार माँ जी, आप इस गंदी नाली की वजह से परेशान नहीं है? बिल्कुल क्यों नहीं है, परेशान नहीं थी इतना तक तो क्या हो रहा है, हाल क्या हाल है देखो। कितने समय से यही हाल है? कितना समय, शाम भादो से है, शाम भादो से यही हाल है, इसी हाल है। यहाँ का विधायक कोई सुनवाई नहीं करता है, कर रहा है क्या पता है। सर एक बात बताइए, ये अभी आप पैर उठा के जा रहे हैं, सामान मार्केट जा रहे होंगे सब्जी लेने के लिए? हम पहली बार आए हैं। आप पहली बार आए हैं, तो पहली बार आके यहाँ कैसा लगा मुंडका में? अरे पानी भरा हुआ है, क्योंकि जो यहाँ रहते हैं वो तो पीड़ित है ही। आप पहली बार आपको कैसा लगा? पानी, अरे रुकिए सर, रुकिए, आपकी आवाज अच्छी है, आप बोलिए। कितना बढ़िया लगेगा, थोड़ा सा बारिश होता है भरभट्टा होना पानी हो जाता है, और इससे बढ़िया क्या लगेगा। कौन सा रोड है ये? रेलवे कॉलोनी मुंडका। रेलवे कॉलोनी बाजार वाला रोड, बुद्ध बाजार। यहाँ हर बुधवार को ऐसा ही मार्केट लगता है, मार्केट लगता है, और बाकी दिन आदमी को आने जाने इधर मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन या मुंडका स्टैंड पे जाने के लिए भरभट्टा पानी में जाना पड़ता है, और इसके लिए कोई सुनवाई होता नहीं। मेरे ख्याल से करीब काफी दिन से ऐसे ही है। क्या नाम है बच्चे आपका? रहमत। रहमत कौन सी क्लास में पढ़ते हो? छठी क्लास में पढ़ते हो, अरे वाह, पढ़ाई में मन लगता है कि नहीं? बहुत। ये बताओ कि यहाँ जो सड़कों की हालात हैं, फिर तुम्हारा खेलना कूदना कैसे होता है बच्चे? कुछ नहीं आता, उधर खेल लेते हैं। दुकान है? हाँ। आप यहाँ हर बुधवार को दुकान लगाती है, तो आपके दुकान के सामने ही यहाँ पर इतना बुरा हाल है? इतना बुरा हाल है। कस्टमर कैसे आते हैं? अब वैसे ही भैया पानी में आते हैं, कोई आता है कोई नहीं भी आता है, 10-5 रुपए का बिक जाता है। दो तीन महीना हो गया हमको बाजारी बंद करे हुए, सावन जब से चढ़ा बारिश आई जब से यही हाल है।
हम तो सोचे कि बारिश की पानी है, अब देख लो 8-10 दिन हो गया बारिश खुले हुए, फिर भी नाली के पानी भरा हुआ। सर एक बात बताइए, आपकी यहाँ दुकान है, हर बुधवार को आप यहाँ दुकान लगाते हैं, आपके सामने ही इतना खूबसूरत नजारा है। तो हम तो ये कहते सड़क बन जाए, हमें क्या दिक्कत है भाई, सड़क बननी चाहिए। इस वजह से काम कितना खराब हो रहा है? अब काम तो अब ग्राहक आते ही नहीं है पानी की वजह से, पानी वजह से ग्राहक कहाँ आ रहे हैं, ऐसे ही आते हैं बस, इसी तरीके से मोटा मोटा काम चल रहा है। हाँ वही। दर्शकों मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यह सड़क है, यह सड़क है, अब ये छोड़ दीजिए, इस सड़क की वजह से सभी लोगों को किस तरीके से आना जाना पड़ता है। मैं खुद यहाँ खड़ा हूँ, ये सड़क है, उसके ठीक बगल में वहाँ नाले का शिवर का ढक्कन खुला हुआ है, सारा पानी यहाँ सड़कों पर मिल रहा है। और ये आज से नहीं, तकरीबन कितने महीने से ये है ये याले भैया? दो महीने से। देखिए यहाँ पे लोग भी जो है अपने पैजामे को अपने पैंट को ऊपर कर कर जाते हैं। आपको मैं तस्वीरें अगर दिखाऊं दूर से भी लोग किसी तरीके से इसी पानी को पार कर कर आते जाते हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? क्रांति। ये इतनी गंदगी पानी है यहाँ पर, इतना गंदा पानी है, आपको दिक्कत नहीं होती? बीमारी का डर नहीं है? है तो भाई क्या करें, पानी यहाँ कभी कोई सड़क नहीं बनाने के लिए आता है। नहीं मेरे को भाई पता नहीं, मैं अभी आई हूँ। चलिए अभी आ पाई, दो चार महीना में यहाँ आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा नहीं लगता है। एक बात बताइए कि इतना बुरा हाल मुंडका का है। हाँ जी। जो लोगों को खरीदारी करने में दिक्कत है, व्यापारियों को दुकानदारी करने में दिक्कत हो रही है, विधायक यहाँ की सुनवाई नहीं कर रहे। हमने मेट्रो के पास का भी इलाका देखा, छानबीन की, बहुत ज्यादा बुरी हालत है। मैं वहीं रहता हूँ मेट्रो के पास जी, सारे दिन मेरा ख्याल तो 50 गाड़ियां हमारे घर के सामने जो ना खड्डे में धंसती हैं, मुंडका में, और सारे दिन निकालते रहते खड़ों में से उनको, बेचारे 500-700 रुपए निकालने के देते हैं उन गाड़ियों को और फिर ले जाते हैं। तो भाई इतना बुरा हाल है, अब काम कहाँ से नहीं हो रहा, कहाँ रुका हुआ है ये पता नहीं हमारे को, कमी विधायक की है, कमी भाई कौन सी सरकार की है, लेकिन हमारे को तो बड़ी दिक्कत है। सर यहाँ के विधायक धर्मपाल लाखड़ा जी हैं, और उनसे एक बार किसी एक रेडियो जॉकी ने बातचीत की थी, उन्होंने उठपटांग बात कह दी कि तू कौन है, ऐसे कौन बोल सकता है, ये कौन, मैं विधायक हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। देखो जी हमारी शिकायत किसी से नहीं है, वहाँ तो ये है कि काम होना चाहिए, काम से मतलब है काम। हाँ हमारा तो देखो विधायक से कोई दुश्मनी नहीं, ठीक है ना जी। हम तो चाहते हैं काम होना चाहिए, चाहे विधायक के बेचारे के घर से नहीं निकलना पैसा जो लगना है, लेकिन वो क्यों नहीं लग रहा जी, ये नहीं समझ आ रही। ये साली हम तो ये कहते हैं ऐसी रहेगी, ये सुधरेगी भी नहीं किसी। अंकल कब से ये प्रॉब्लम? 4 महीने हो गए कम से कम, कई आदमी मर चुके हैं, मरे भैया ऐसे हैं जिनके घर में दाने नहीं थे, अगर कोई VIP आदमी मरता तो साला जरूर बनता कुछ ना कुछ, देखा था VIP मर जाए तो भले कुछ इसका सोच। धर्मपाल लाखड़ा जी सुनवाई नहीं करते। अरे काय का टिकट खरीद के बना रखा हो, वो सीधा कहता खुल्ला पैसों में खरीदी है, हम काई के लिए काम करूंगा, मैं ठेकाने रखा तेरा करने का। देखो ये था मुंडका रेलवे कॉलोनी बुद्ध बाजार का हाल, आपने देखा यहाँ का व्यापारियों से हमने बात की, लोगों से बात की, जुड़कर जाने क्या समस्या है और किस तरीके से यहाँ के विधायक अपने काम को निभाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आखिर यहाँ के लोगों की उम्मीद है जल्द से जल्द इनकी सुनवाई हो, जल्द से जल्द यहाँ पर रोड बने, अच्छी रोड बने, नाले का पानी, शिवर का पानी जो सड़कों पर मिलता है वो अपने अपने जगह जाए और यहाँ पर साफ सफाई बनी रहे, लेकिन हालात अभी भी वैसी है। फिलहाल नमस्कार, इस खबर पर इतना ही, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं शमी रंजन, जय हिंद जय भारत।